वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अभी BPSC AE का आ रहा है, तो देखे थे प्री एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा था। तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो RRB JEE में भी पूछता है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे चलने से पहले, जिन्होंने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया है पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो वो आप उसको तुरंत से देख सकते हैं। और बाकी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम के लिंक होंगे और भी कई सारे लिंक जो होंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो लिंक जरूर चेक कर लें एक बार। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम द एब्रीविएशन GSLV स्टैंड्स फॉर। जैसे कि BPSC AE के आप प्री एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पूछा था CMRR का, ठीक है ना, या CSMR का था आई थिंक, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है GSLV का आपका पूछा है एब्रीविएशन। तो इसका एब्रीविएशन क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, क्या होगा, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट। क्या है अप्सरा, अप्सरा जो आप सुने होंगे नाम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप सुनते होंगे कि अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट। क्या था ये, न्यूक्लियर रिएक्टर, हेलीकॉप्टर, या ग्राउंड बैटल टैंक, या रेलवे लोकोमोटिव। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD। देखो यहाँ पे मैंने एक कुछ चीज़ और मेंशन कर दिया है कि किसी चीज़ का एब्रीविएशन आपको नहीं जानना पड़े, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे CDFD का अगर एब्रीविएशन आपसे पूछता है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ DNA, देखो सेंटर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है, लोकेटेड एट कहाँ पे वो है, स्थित कहाँ पे है ये सेंटर। तो अगर आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, चेन्नई होगा। ठीक है, चेन्नई आपका राइट आंसर है। रिश्टर स्केल इज ए एन, ब्लैंक रहेगा आपका, स्केल टू मेजर अर्थ टर्मर्स। देखो अब अर्थ टर्मर्स के मेजर्स करने के लिए जो होता है रिश्टर स्केल वो क्या होता है, इसमें से आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक होता है, जियोमेट्रिक होता है, या फिजिकल होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स लॉगरिथमिक होता है, ठीक है, क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फील करेंगे, लॉगरिथमिक फील करेंगे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पूछते हैं एग्जामों में, द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ विच वायरस हैज बीन रिसेंटली डन बाय इंडियन साइंटिस्ट। देखो जीनोम क्या होता है, जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सिक्वेंसिंग एक तरह का क्या होता है, आप अगर नहीं जानते हो तो लिख लो, फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होता है आपका जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ विच वायरस हैज बीन रिसेंटली डन बाय द इंडियन साइंटिस्ट। तो किसका किया गया था, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, HIV, फ्लू वायरस। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस C के लिए किया गया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिवर्स 2। अब इंडिवर्स का मतलब समझ सकते हैं प्रयास होता है इसका, आई थिंक कि प्रयास हो या आप बोल सकते हो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 डिकोड क्या है, अभी आपने मैंने बताया, देखो क्या था यहाँ पे, फिगरिंग आउट द ऑर्डर टू DNA न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा, डिकोड DNA, ठीक है, डिकोड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए TV रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट ए TV सेट। कौन से TV रिमोट कंट्रोल यूनिट है तो ऑपरेट TV सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज, आपसे इसमें से कौन सा है आपका,
लाइट वेव्स है, साउंड वेव्स है, माइक्रोवेव्स है या रेडियो वेव्स है? तो ये जो होगा आपका रेडियो वेव्स होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं एग्जामों में, और ये बहुत सारे एग्जामों से लिए गए हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, और कुछ अलग से डाला गया है, तो ये टॉप 25 है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट आपका वीडियो बनेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। जैसे कि कल के मॉक में मैंने आपसे पूछा था कि ज्ञानपीठ जो है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो लिटरेचर के फील्ड में आपका था। उसी तरीके से शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये आपके अभी पता है कि किस वीडियो चल रहा है अभी, तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चल रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसको दिया जाता है, लेकिन इसको याद भी कर लें अच्छे से। बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। तो वो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है एक इंडिया में, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, नासिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं कई जगह देखा हूँ, जैसे कि SSC JEE में भी, SSC JEE में ही पूछा था ये 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका लखनऊ, ठीक है, क्या है, लखनऊ में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखो यहाँ भी मैंने एब्रिविएशन कर दिया है DAE क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब एस्टैब्लिश हुआ था एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था कब? आपका ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, सभी में देख रहे हो कि 3 अगस्त लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है 3 अगस्त 1954। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ध्रुव, साइरस, अप्सरा, आर, देखो अब ये तीनों हैं आपके, ये क्या हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, रिसर्च रिएक्टर, क्या होगा ये, रिसर्च रिएक्टर्स है। इंडिया प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज, देखो यहाँ भी इसका है PHW करके आएगा, आपको पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामों में, देखे थे हम लोग BPSC AE के प्री में ये कैसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए आप इसको भी फोकस करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसका होता है इंडियन प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है ना, तो ये पूछा है PHWR यूज टू, क्या करते हैं इसके, क्या यूज करता है ये, तो ये है आपका यूरेनियम बेस्ड फ्यूल, थोरियम बेस्ड फ्यूल, बोथ यूरेनियम एंड थोरियम बेस्ड फ्यूल, यूरेनियम एंड यट्रिन बेस्ड फ्यूल। आपके अगर आंसर जानते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो मैं बताता हूँ इसका, इसकी अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका यूज करता है यूरेनियम बेस्ड फ्यूल, ठीक है, क्या यूज करता है, यूरेनियम बेस्ड फ्यूल आपका यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मेनली फॉर रेडियोग्राफी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, इसमें से कौन सा है जो रेडियोग्राफी वेरियस मटेरियल के लिए यूज होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, FBTR। FBTR का अगर मतलब आप समझना चाहते हैं तो ये होता है फास्ट, लिख लेंगे इसको अगर लिखना चाहते हैं तो, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रीडर रिएक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। एरमोन इज, ये क्या है आपका, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, ए नेशनल वाइड नेटवर्क ऑफ एनवायरमेंट रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो एरमोन जो है आपका, ये क्या है आपका, ए नेशनल वाइड नेटवर्क ऑफ एनवायरमेंट रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन, ये आपका जो होगा आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म ब्लैक बॉक्स इज मोर कॉमनली यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ब्लैक बॉक्स आपको पता होगा प्लेन में यूज करता किया जाता है, और जब भी कोई दुर्घटना होता है तो इसी के खोजा जाता है, इससे पता चलता है कि उसमें क्या कमी आ गया था, क्या प्रॉब्लम था, तो इसी के बारे में पूछा गया है कि जो ब्लैक बॉक्स है कॉमनली यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज ए बॉक्स इन विच हाई ग्रेड यूरेनियम इज केप्ट टू प्रिवेंट रेडिएशन, इसमें यूरेनियम रखा होता है रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ए टाइम कैप्सूल इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आर केप्ट टू बी ओपन एट लेटर डेट। नहीं फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड तो करता है लेकिन टाइम कैप्सूल नहीं होता है। इट इज ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन एन एरोप्लेन। हाँ फ्रेंड्स देखो ये आपका राइट आंसर है, मैंने आपको बताया था, तो ये जो है आपका राइट आंसर है, इट इज ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन ए एरोप्लेन। जेट इंजन आर,
जेट इंजन क्या होता है? रोटरी इंजन, टर्बाइन इंजन, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन या रिएक्शन इंजन? तो जो आपका जेट इंजन होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका रिएक्शन इंजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर है। हु इन्वेंटेड रडार? रडार आपको पता है क्या होता है फ्रेंड्स? रडार आपको देखते होंगे, वायुसेना यूज करती है रडार बहुत सारे चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, और अपने प्लेन के एयरपोर्ट पे भी रडार लगा होता है, वो चेक करते हैं कितने आप उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे, वो लोकेशन को भी ट्रैक करता है। तो रडार के बहुत सारे काम होते हैं, तो आप देख लेना। और इसको पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड रडार, आप अपने नाम बताने हैं, तो इसका आपको पता होगा, बहुत ईजी है, कौन है? रॉबर्ट वाटसन वाट। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट इसको इन्वेंशन किए थे। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, मास एनर्जी रिलेशन है वो किसका आउटकम है, इसका आउटकम ऑफ? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मास एनर्जी आउटकम है। द मिक्स ऑक्साइड फ्यूल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो दिया गया है, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में मिक्स ऑक्साइड फ्यूल यूज किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, एरोप्लेन, सैरोजेनिक इंजन्स या PSLV रॉकेट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा सैरोजेनिक इंजन्स। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। मोबाइल IP प्रोवाइड टू बेसिक फंक्शन, देखो मोबाइल IP आपको पता है, मोबाइल में भी IP होता है, जैसे लैपटॉप में भी IP एड्रेस होता है। तो जो मोबाइल IP प्रोवाइड करता है वो टू बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें से उन दो फंक्शन का आपको नाम बताना है कि वो क्या क्या होता है। तो एक तो प्रिंट्स आपको पता है क्या होता है, एक हो जाए आपका एजेंट डिस्कवरी एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, देखो यही हो गया आपका, ये जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, एजेंट डिस्कवरी एंड रजिस्ट्रेशन। 21 देखेंगे फ्रेंड्स, द फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट फ्रॉम इंडिया वाज, देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, आपको बताना है फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट फ्रॉम इंडिया, कौन सा इंडिया से फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था? आपका ऑप्शन दिए गए हैं IRS-P6, P4, IRS-1A, CATOSAT-1। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका IRS-1A, ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये आपका जो हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, अंडरटेकन बाय किसके द्वारा, ये किया गया था आपका इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा कब किया गया था, ये किया गया था 7 मार्च 1988 को। ठीक है ना, 7 मार्च 1988 को अगर डेट पूछता है तो, और किसी कंट्री के माध्यम से किया गया था, किसी कंट्री के सपोर्ट से किया गया था फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। 22 क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय नासा इज, आपको पता है कि नासा के द्वारा सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया था, तो द फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय नासा आपको बताना है कि वो कौन सा कंप्यूटर है। तो उसका जो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है आपका कोलंबिया, कोलंबिया है जो आपका फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय नासा। प्रणव मिस्त्री इज नेम्ड एसोसिएट विद, प्रणव मिस्त्री आपके एक नाम है, वो किससे रिलेट करता है, यानी कि किससे एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, ड्राइवरलेस कार, कैंसर डायग्नोस्टिक किट, सिक्स सेंस डिवाइस या सोशल मीडिया ऐप। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो क्या है आपका, सिक्स सेंस डिवाइस। समझ गया, इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, सिक्स सेंस डिवाइस। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द यूरेनियम ओर, इनमें से कौन सा है जो यूरेनियम ओर में प्रेजेंट होता है? एंड एरिया कवर्ड एज बाय प्रोडक्ट इन द यूरेनियम प्रोसेस प्लांट, ठीक है, तो हेमाटाइट, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट या बेरिलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा आपका, मैग्नेटाइट। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द इंडियन साइंटिस्ट हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज, आपको एक ऐसा इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है कि जिसका नेम एसोसिएट होता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट से। तो जेसी बोस, एजी खुराना, मेघानंद शाह या सीवी रमन? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका सी, मेघानंद शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके टॉप 25 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स और दूसरों को भी शेयर करें, अगर लाइक करेंगे शेयर करेंगे कुछ अच्छा निकल कर आएगा आउटकम, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी होंगे।
और इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।